नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज बात करते हैं कुछ ऐसे सरल उपायों की जिनसे जीवन में अगर कहीं परेशानी आ रही है तो सौभाग्य का आगमन हो, सुख का आगमन हो, समृद्धि आए, धन आए, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आए। पिछले कुछ दिनों में जितने भी हमने नए जो भी हमने आपके लिए इन्फॉर्मेशन डाली है, जो भी नई वीडियोस डाली है, वो भी कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं, क्योंकि आज के समय में सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सभी इंसान दुखी हैं। जिनके पास पैसा है वो भी किसी ना किसी परेशानी से दुखी है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके जीवन में तो वैसे ही बहुत से दुख है। कोई रोग से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई अपने परिवार से परेशान है, कहीं आपस में तालमेल नहीं है, कहीं कला कलेश की स्थिति है। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं से जुड़े हुए कुछ छोटे उपायों की और एक ऐसे विशेष फल की जिसकी ज्योतिष में क्या, सनातन धर्म में, हर वैदिक कार्य में, हर धर्म में, पूजा में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है नारियल। नारियल के कुछ एक ऐसे विशेष उपाय और क्यों इतनी महत्वता है नारियल की। और कहते हैं जब भी हम कोई शुभ काम करने जाते हैं तो अगर नारियल को फोड़ लें, नारियल को तोड़ दें, तो उस काम में आने वाली विघ्न बाधाएं, उस काम में आने वाली परेशानियां हमारी बहुत हद तक कम हो जाती हैं। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। और नारियल का हर पूजा पाठ में, किसी भी वैदिक कार्य में, किसी भी हवन में नारियल का विशेष स्थान होता है। नारियल को एक विशेष स्थान दिया जाता है और उनकी भी साथ में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नारियल पे जो तीन नेत्र होते हैं, जो तीन निशान बने होते हैं, ऐसी मान्यता है कई जगह कि स्वयं भगवान शिव के वो त्रि नेत्र हैं। तीन नेत्र जो है भगवान शिव के हैं, क्योंकि भगवान शिव को भी नारियल का फल बहुत प्रिय है। कहीं ऐसी मान्यता मिलती है कि ये जो तीन नेत्र बने हुए हैं नारियल के, ये स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है नारियल पे बने हुए इन तीन निशानों को। और अगर कोई एक नारियल ऐसा है जिसकी तीन आंखें, इनको आंखें कहा जाता है नारियल की, अगर इसमें तीन आंखें ना हो के केवल एक ही नेत्र है जिसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है, अत्यधिक शुभ, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर एकाक्षी नारियल आपको मिल जाए तो इसकी घर में स्थापना करना, अगर आप इसकी घर में स्थापना करते हैं तो सुख आता है, समृद्धि आती है, धन आता है। कहते हैं स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है आपके घर में अगर आपको एकाक्षी नारियल मिल जाता है और आप उसकी स्थापना अपने घर में कर लेते हैं। नारियल क्या है? जो नारियल के अंदर का भाग होता है वो सफेद रंग का होता है, उसके अंदर जल होता है, उसको चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक है, हमारे मन की जो स्थिति है वो चंद्रमा से आकलित की जाती है। अगर नारियल किसी भी पूजा में, पाठ में, किसी भी कार्य करने से पहले अगर हम उसकी प्रतिष्ठा कर लेते हैं उस स्थान पे, तो मान के चलिए, कहते हैं ना, अगर हमारा मन साथ है, हमारा मन निर्मल है, हमारा मन कोमल है, हमारे मन में किसी प्रकार का संशय या परेशानी नहीं है, तो कार्य को सिद्ध होने में टाइम नहीं लगता, कार्य बिना परेशानी के सरलता से पूरा हो जाता है। अक्सर देखा गया है या आपने कहते हुए सुना होगा कि स्त्रियां नारियल को नहीं तोड़ती, क्या रीजन है ऐसा, क्या मान्यता है इसके पीछे कि जो स्त्रियों को नारियल तोड़ने से मनाही होती है। देखिए नारियल क्या है, एक बीज फल है, एक बीज है, और स्त्री की जो उत्पादन क्षमता होती है, जो एक गर्भधारण की स्थिति होती है, उसको भी माना जाता है कि उसके गर्भ में एक बीज का ही स्थानांतरण होता है, एक बीज ही पलता है जो बाद में शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो ये जो बीज फल है इसको स्त्रियों की गर्भ धारण की स्थिति को देखते हुए, उत्पादन क्षमता को देखते हुए नारियल को तोड़ना वर्जित है, नारियल को स्त्रियां नहीं तोड़ सकती, पुरुषों द्वारा ही हमेशा नारियल तोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्रियों के द्वारा नारियल तोड़ दिया जाए तो गर्भ धारण में परेशानी होती है, उसकी उत्पादन क्षमता कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है।
घर में लक्ष्मी से संबंधित बहुत परेशानी है, पैसे से संबंधित बहुत परेशानी है, कहते हैं प्रत्येक पूजा में नारियल को रखिए और पूजा के बाद नारियल का जल और प्रसाद ग्रहण कीजिए, माँ लक्ष्मी स्वयं आप पे कृपा करती हैं, स्वयं त्रिदेव भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, महेश जी, इन तीनों की कृपा आप पे बनती है अगर आप नारियल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये तो एक सामान्य सी जानकारी है। एक और विशेष बात कर लेते हैं कि नारियल को ही क्यों तोड़ा जाता है। देखिए पुराने समय में ऐसी मान्यता है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते थे या कोई भी ऐसा काम जो हम अपने विशेष मन में सोच के कर रहे हैं कि इस कार्य को हमें करना ही करना है, तो नर बलि दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। तो उस समय नर बलि और पशु बलि की जो प्रथा थी उसको रोकने के लिए भी नारियल की बलि देना प्रारंभ कर दिया गया, जिसे आज के समय में हम कहते हैं कि नारियल तोड़ना है, नारियल पधारना है। तो इसको नर बलि और पशु बलि को रोकने के लिए नारियल को तोड़ने की प्रथा प्रारंभ की गई। नारियल को नर के स्थान पे पशु के स्थान पे रखा गया और उसको तोड़ने की प्रथा प्रारंभ करने से नर बलि की प्रथा बंद हुई, पशु बलि की प्रथा बंद की गई। अब नारियल के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं कि ऐसे कौन से हम विशेष उपाय अपने जीवन में कर लें जिससे हमारे जीवन में आ रही परेशानियां कुछ हद तक कम हो सके। परेशानियां कम होंगी तो देखिए जीवन सुचारू रूप से बनेगा, लक्ष्मी आएगी, धन धान्य आएगा, समृद्धि आएगी, घर में कलह कलेश का वातावरण खत्म होगा। तो हम अंडरस्टूड है कि अपने आप से ही खुश रहेंगे। और कहते हैं ना जीवन में अगर खुशियां हैं तो जीवन में सब कुछ है। कहते हैं इंसान को संपन्न होना, जब सब कुछ अच्छा है, किसी को बीमारी नहीं है, घर में सब सदस्यों में तालमेल अच्छा है, कलह कलेश का वातावरण नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई कर्जे की स्थिति नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जीवन एकदम उत्तम है, सब कुछ अच्छा है। तो आज जान लेते हैं कि नारियल से संबंधित कुछ विशेष उपाय जो हमें अपने जीवन में कर लेने चाहिए। सर्वप्रथम बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, पैसे की तंगी बनी रहती है और पैसे के लिए कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो उनके लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें कर लेना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और प्रसाद में नारियल अवश्य रखें। पूजा करते हुए प्रसाद में आपको नारियल का प्रसाद अवश्य रखना है और उस पूजा के पश्चात उस नारियल के प्रसाद को आप ग्रहण करें। उस प्रसाद में सभी घर के सदस्यों को अगर आप वितरित करते हैं, उस जल को आप सभी सदस्यों के बीच में वितरित करते हैं, तो आपके जीवन में धन संबंधित परेशानी खत्म होती है। पर अगर बहुत ही ज्यादा विशेष परेशानी से गुजर रहे हैं, धन की बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस नारियल को तोड़े नहीं, जो भी आपने पूजा में नारियल रखा है उस नारियल को तोड़े नहीं, आप उस नारियल को पूजा वाले स्थान से उठाकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। और तिजोरी में रखने से आपके जीवन में कभी भी पैसे संबंधित परेशानी या तंगी नहीं आएगी। दूसरा विशेष उपाय बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके घर में हमेशा कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, परिवार के लोगों में परस्पर तालमेल नहीं होता, मन मुटाव की स्थिति रहती है, किसी भी कारण से कलह कलेश पैदा हो जाता है, तो उन लोगों को विशेष तौर से जब भी पूजा करें, जब भी कोई विशेष पूजा घर में करते हैं तो पूजा में नारियल अवश्य रखिए, उस नारियल को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद जो उसका जल निकलता है उस जल को घर के सभी सदस्यों में वितरित कीजिए, उस जल को घर के सभी कोनों में उस जल से छिड़काव कीजिए, उस जल का घर के सभी कोनों में छिड़काव और सभी सदस्यों को देने से आपके अंदर एक मानसिक शांति की भावना आती है। और जब इंसान मानसिक रूप से शांत होता है तो घर में कलह कलेश की जो स्थिति बार बार पैदा होती है वो खत्म होती है और घर में सुख संपन्नता बनती है। और अगर कहीं किसी तरह की परेशानी आ भी जाए तो इंसान आपसी तालमेल से उस परेशानी को खत्म करने का प्रयत्न करता है। मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया है, इस वीडियो के शुरू में बताया था कि जो नारियल होता है, नारियल के अंदर का जल और जो उसकी गिरी, जिसको हम फल बोलते हैं, जो गोला होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। और अगर आप उसका जल ग्रहण करते हैं अपने घर में, उस जल से छिड़काव करते हैं, तो घर में अगर किसी भी प्रकार का मन मुटाव है, कलह कलेश का वातावरण है, तो वो कम होता है।
तीसरा उपाय हम लेते हैं ऋण से रिलेटेड, कि घर में ऋण संबंधित समस्या है, कि हमारे घर में ऋण से संबंधित समस्या है, पैसे की दिक्कत आ रही है, लोगों से कर्जा लेते चले जा रहे हैं और वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए आप विशेष उपाय नोट कर लीजिए, जटा वाला नारियल जिसके ऊपर जूट होता है, जिसको आप उतार के खाते हैं, एक जूट वाला नारियल ले लीजिए, उस पे चमेली के अंदर सिंदूर मिला के स्वास्तिक का निशान बनाइए। स्वास्तिक का निशान बनाना है आपको उस नारियल पे मंगलवार या शनिवार के दिन विशेष, और इस नारियल को आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के चरणों में रखिए। हनुमान मंदिर में जाके इस नारियल को हनुमान चरणों में, हनुमान भगवान के चरणों में रखना है, वहां देसी घी या चमेली के तेल का दीपक जलाना है और ऋण मोचन मंगल स्रोत्र का पाठ करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी कर्जे संबंधित समस्या है वो दूर हो। इस उपाय को आप लगातार 5 मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं, मंगलवार कीजिए या शनिवार कीजिए, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। तो इससे जीवन में चल रही कर्जे की समस्या, देखिए कर्जे की समस्या कब कम होती है, कुदरती कुछ भी चमत्कार नहीं होगा, जब हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, जब हमारे पास आमदनी का जरिया बढ़ेगा तभी हमारी कर्जे की समस्या कम होगी। तो कोई ना कोई अच्छा रोजगार आपको मिलता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रोग्रेस होनी शुरू होती है, जब पैसा आएगा तभी हम किसी का पैसा रिटर्न कर पाएंगे। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कर्जे की समस्या चल रही है तो डेफिनेटली वो दूर होती है। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार में लाभ की। अगर व्यापार में दिक्कत है, व्यापार में परेशानी है किसी भी प्रकार की, तो एक जूट वाला नारियल लीजिए, उसे 1.25 मीटर पीले सूती कपड़े में लपेटिए। मंगलवार या शनिवार के दिन एक जूट वाला नारियल लेके उसको 1.25 मीटर पीले सूती कपड़े में रखिए, उसके ऊपर एक जोड़ा जनेऊ का रखना है, साथ कुछ भी मिष्ठान। आप मिष्ठान में 1.25 पाव मिष्ठान ले सकते हैं, आप बर्फी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, गुड़ और चना भी ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, प्रसाद रखिए साथ में। और हनुमान मंदिर जाइए या राम मंदिर जाइए, वहां भगवान राम की मूर्ति के आगे नारियल को रख दीजिए और अपने व्यापार की तरक्की के लिए कामना कीजिए, अपने व्यापार की तरक्की के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, किसी प्रकार का घाटा हो रहा है, तो वो घाटा कम हो जाए और आपको व्यापार में तरक्की मिले। चलिए बात करते हैं फिर एक बार आर्थिक संकट की, कि व्यापार चल रहा है, सेविंग नहीं होती, पैसे में बरकत नहीं होती, तो क्या विशेष उपाय कर लेना चाहिए, कि खूब पैसा कमा रहे हैं पर पैसे में बरकत नहीं है, पैसा अनाप शनाप कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है जिसका कोई सेंस नहीं होता, कहते हैं पैसा खर्च हो रहा है पर यार कोई सिरपैर नहीं है इस पैसे को खर्च करने का, कभी किसी झगड़े में पैसा खर्च हो रहा है, कहीं किसी कर्जे में जा रहा है, किसी ब्याज में जा रहा है, किसी कोर्ट कचहरी या थाने में पैसा लगना शुरू हो जाता है, अस्पतालों में पैसा लगना शुरू हो जाता है, तो उस केस में आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल लीजिए, शुक्रवार के दिन एक जटा वाला नारियल लीजिए, 1.25 मीटर गुलाबी कपड़ा लीजिए, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लीजिए, चमेली के फूल आप साथ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मिष्ठान में भी आपको एक सफेद मिठाई लेनी है और एक जोड़ा जनेऊ का। इन सभी सामग्रियों को मां लक्ष्मी को अर्पित करना है और उसके बाद कपूर से या गाय के देसी घी से मां लक्ष्मी की आरती कीजिए और उनसे अपने जीवन में चल रहे आर्थिक संकट, देखिए पैसा आ रहा है अगर बरकत नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं इन द एंड स्टेज आपको किसी ना किसी आर्थिक संकट में ले ही आता है, तो मां से प्रार्थना कीजिए कि आपके धन में बरकत पड़े, मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान हो और आपको जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी कुंडली में राहु केतु का दोष है, शनि की महादशा चल रही है, कोई शनि का दोष बन रहा है, कोई काल सर्प दोष बन रहा है, तो उनको क्या विशेष उपाय कर लेना चाहिए, उनको शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल लीजिए, क्योंकि अक्सर राहु केतु के टाइम पीरियड में या शनि के टाइम पीरियड में कई बार मन में ऐसी शंका भी आने लगती है कि शायद घर पे कुछ करे कराए का असर है, कोई जादू टोना टोटका, इस तरह के भ्रम मन में आने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो हमारे घर पे कुछ नहीं हो गया कि हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा, तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल लीजिए, उसको काले कपड़े में लपेटिए, 100 ग्राम काले तिल लेने हैं, 100 ग्राम ही आपको उड़द की दाल लेनी है और 1 कील लेके इसको चलते जल में जल प्रवाह कर दें, चलते जल में जल प्रवाह करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में अगर कोई भी दोष जो कि राहु देव की वजह से, केतु देव की वजह से, शनि देव की वजह से
बन रहा है या किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको तंग कर रही है, तो उससे आपको मुक्ति मिले, उससे आप स्वतंत्र महसूस करें। अब एक समस्या हमारे जीवन में और आती है कि जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमारे काम फिर भी नहीं बनते, फिर भी बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद काम नहीं बनते, तो ऐसी स्थिति में एक जूट वाला नारियल ले लीजिए, उसको लाल सूती कपड़े में बांधिए, उसे लाल सूती में कपड़े में बांध के जल प्रवाह कर दीजिए। एक जूट वाला नारियल लाल सूती कपड़े में बांध के जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह करते समय आपके मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की कामना, जो भी अच्छी कामना है जिससे सबका भला हो, वो जरूर पूरी करें। और आपको ये जो एक असफलता का चक्रव्यूह आपके चारों तरफ बन गया कि आप बार बार कार्य का प्रयास कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, ये असफलता आपके जीवन से जाए और आप सफलता के साथ अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाए। घर में अक्सर देखने में आता है कि कुछ जो घर के मेंबर होते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, किसी ना किसी तरह की शारीरिक पीड़ा में रहते हैं, शारीरिक दिक्कत में रहते हैं, तो उन लोगों को हर महीने ये उपाय कर लेना चाहिए। सूखा गोला वो होता है जो हलवे में डलता है, जो ड्राई फ्रूट्स में जिसकी गिनती होती है, जूट वाला नारियल नहीं, सूखा गोला लीजिए और बीमार व्यक्ति के सर से 7 बार उतारिए। महीने में 1 बार संडे के दिन आप अपने घर में हवन जरूर कर सकते हैं, रविवार के दिन हवन कीजिए और उस सूखे गोले को हवन की अग्नि में दे दीजिए, आहुति दे दीजिए उस गोले की। इससे जिस प्रकार अगर आप आहुति देंगे तो जिस इंसान को परमानेंट शारीरिक पीड़ा रहती है, किसी भी तरह का संकट रहता है, तो उसकी शारीरिक पीड़ा भी दूर होगी, उसके जीवन का संकट भी बहुत हद तक खत्म होने को आते हैं। चलते चलते एक विशेष उपाय बताने जाना चाहूंगी और उन सभी लोगों के लिए उपाय है जिनकी कुंडली में राहु की महादशा विशेष तौर पे चल रही है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, पर कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी कम नहीं हो रही है। तो एक गोला ले लीजिए, गोला लीजिएगा ड्राई फ्रूट वाला जो हलवे में डलता है, साबुत गोला लीजिए, उसके ऊपर से टोपी काट लीजिए, उसको ऊपर से काट लीजिए, इस तरह काटिएगा कि वो ढक्कन की तरह बन जाए और उस खाली गोले में पंचमेवा डालिए, घी डालिए, चीनी का बूरा डालिए, उस पे वो ढक्कन वापस लगाइए और उसको कलावे से 7 बार लपेट लीजिए। ढक्कन वापस लगा के कलावे से 7 बार लपेट लीजिए और बुधवार या शनिवार के दिन दोपहर के समय उसे पीपल की जड़ में रख के आइए। बुधवार या शनिवार के दिन दोपहर के समय आपको पीपल की जड़ में रख के आना है और ये उपाय आपको साल में सिर्फ 2 बार करना है जब तक आपकी राहु की महादशा चल रही है। ईश्वर ने चाहा तो आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। जैसे जैसे चींटियां उस मिठास की सुगंध से उस नारियल को, उस गोले को खाना शुरू करेंगी, राहु की महादशा की जो नकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन में वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी नारियल के बारे में अच्छी लगी हो, आज आपको नारियल के बारे में ही जानकारी दी गई है, कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही छोटे छोटे उपाय बताते रहेंगे ताकि जीवन में अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां हैं तो बहुत ज्यादा धन खर्चने की आवश्यकता ना पड़े और आप ऐसे उपाय कर सके जिससे जीवन में सुख आए, संपन्नता आए, आपके जीवन में सौभाग्य आए, समृद्धि आए, मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आए और घर में एकदम शांति का वातावरण बने। दोनों उपाय की जानकारी अगले वीडियोज में भी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।